दोस्तों कहानी शुरू होती है 1893 हुतियागढ़ से। हम देखते हैं वकील टट्टल को जो कि प्रॉपर्टी डील के लिए हुतियागढ़ जा रहा है। रास्ता बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ होने की वजह से लोड़ा गाड़ी में बैठा दूसरा शख्स उसे धीरे कराने के लिए जैसे ही बाहर झांकता है तो देखता है कि सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त होने से पहले उन्हें गाँव पहुँचना था, इसीलिए लोड़ा गाड़ी का चालक गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाता है जिससे वो सूर्यास्त होने से पहले गाँव पहुँच जाते हैं। लेकिन टट्टल के पेट का पानी हिल जाता है। लोड़ा गाड़ी का चालक टट्टल का सामान उतारने लगता है जिस पर वो कहता है, सामान क्यों उतार रहे हो, मैंने तो हुतियागढ़ जाने के लिए कहा था। चालक जिसकी फटी पड़ी थी वो कहता है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, खुद ही पैदल चले जाओ। तभी वहाँ पर खड़ा बूढ़ा उससे पूछता है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। टट्टल कहता है, मुझे वहाँ किले में ड्रैकुला से मिलने जाना है प्रॉपर्टी डील के लिए। और ये सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग चौंक कर लट हो जाते हैं और उससे वहाँ जाने से मना करते हैं क्योंकि ड्रैकुला कोई इंसान नहीं है, वो एक वैम्पायर है। तभी एक झाटो की पुजारन उसके पास आती है जो कि उसे 15 रुपये में ईश्वर का चिन्ह बेचकर वहाँ से निकल लेती है। आगे वो भी पैदल ही किले की तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच भी जाता है जो कि कहीं से भी प्रॉपर्टी डील करने के लिए सही जगह नहीं थी। हम अंदर देखते हैं जहाँ मकड़ी के जालों ने किले की माँ चोर रखी थी। तभी आता है ड्रैकुला जिसे इंसानों का खून पीना बहुत पसंद है। टट्टल उसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए देता है जिसकी एक कॉपी वो उसे दे देता है और एक अपने पास रख लेता है और इंग्लैंड में बने 3 BHK फ्लैट को उसे बेच देता है। तभी कागज से टट्टल की उंगली कट जाती है जिससे खून नदियों की तरह बहने लगता है। अरे बहन चोद, ये कागज था या सर्जरी वाली ब्लेड। अब उंगली कटने से हुआ ये कि उसका गंदा खून देखकर ड्रैकुला के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। रात में टट्टल उसके किले में ही सोता है जहाँ पर 2 सेक्सी वैम्पायर माल आती है जो कि ड्रैकुला की धर्म पत्नियां हैं। और ये साली एक नंबर की हवस की पुजारन है जो कि टट्टल से अपनी पिटवाने के लिए लिपट पड़ती है। और इससे पहले कि टट्टल अपना घोड़ा खड़ा करके उन दोनों को लपेटता, ड्रैकुला वहाँ आ जाता है और उन्हें भगा देता है। फिर वो टट्टल से कहता है, तुम सिर्फ एक बुरा सपना देख रहे थे। लेकिन जब वो उसकी ये बात नहीं मानता तो वो उस पर अपना झाड़ फूक करता है। ओ चनदी कुड़ी बदला दी बहन, सारे तेनु बिजली बिजली कहन, ओ जिथे ओ गिर दी बचदनी कख भी, तारे भी डर के रहन, ओ सिंड्रेला। और ये सुनते ही टट्टल उसका गुलाम बन जाता है जो कि अब ड्रैकुला की गांड भी साफ करेगा बिना किसी सवाल के। अगली रात को वो इंग्लैंड के लिए निकल पड़ते हैं, वो भी एक पानी के जहाज से। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वैम्पायर हमेशा अपने डब्बे से सफर करते हैं, लेकिन इस ड्रैकुला के भाग में तो लोड़े लिखे थे क्योंकि जिन रस्सियों से डब्बा बंधा था वो कट जाती हैं और डब्बा इधर उधर लड़कने लगता है जिससे उसका उल्टी का मन हो जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर टट्टल को बुलाता है, भोचड़ी के टट्टल, ओ टट्टल। टट्टल दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है और डब्बे को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भी डब्बे के साथ झूलने लगता है। पर ना जाने किस तरह से वो बावली गांड उस डब्बे को रोक ही लेता है, जिसके बाद ड्रैकुला उससे बाहर निकलता है। उसको भूख लगी थी तो वो जहाज के सारे लोगों का खून चाय में पड़ी मक्खी की तरह चूस जाता है। जहाज लंदन पहुँचता है तब जहाज में पड़ी लाशों के साथ सिर्फ अकेला जिंदा मौजूद टट्टल था क्योंकि ड्रैकुला तो भाणकलंड चमगादड़ बनकर वहाँ से उड़ गया था। टट्टल को सभी के कत्लों का गुनहगार मानकर उसे पागलखाने भेज दिया जाता है क्योंकि टट्टल के दिमाग के लोड़े लगे हुए थे ड्रैकुला के हैवी मंत्र की वजह से। ड्रैकुला एक ऑडिटोरियम पहुँचता है अपने नए पड़ोसी बलगम चचा से मिलने जो कि उसी पागलखाने का मालिक है जिसके अंदर टट्टल बंद है। हम देखते हैं बलगम चचा की बेटी गंडमुख को और उसके फ्योन से बंद बल्ब को और एक पारिवारिक दोस्त लोलो माईजीन को। ड्रैकुला सभी से मिलता है और जब वो लोलो माईजीन को देखता है तो उसकी लार टपकने लगती है। सभी अपने घर पहुँचते हैं जहाँ ड्रैकुला अपनी बालकोनी से लोलो माईजीन को देख रहा था और लोलो माईजीन भी उसे पूरे इशारे दे रही थी, जिसके बाद वो सोने चली जाती है और ड्रैकुला भाणकलंड चमगादड़ बनकर उसकी तरफ बढ़ता है और अपना चोला उस पर ढककर उसका खून चूस लेता है। अगले दिन लोलो माईजीन की हालत के लोड़े लगे पड़े थे क्योंकि ड्रैकुला ने उसका आधा खून जो चूस लिया था। वहाँ पर मौजूद उन सभी चूतियों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है। तभी बलगम चचा को उसकी गर्दन पर सांप के डसने के निशान मिलते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि उसको किस लंड ने डसा है, इसलिए वो जंगली जिराफ के भतीजे डॉक्टर बहाण के झूले को बुलाते हैं क्योंकि वो चूतिया महान है इस तरह के केसों को संभालने के लिए। आगे डॉक्टर बहाण का झूला जब लोलो माईजीन की गर्दन पर लंड के डसने के निशान देखता है तो कहता है, इसे किसी भी लंड ने नहीं डसा है, ये निशान है एक वैम्पायर के जिसने उसका आधा खून चूस लिया है और वो उसका आधा खून चूसने के लिए बाद में आएगा। हमें किसी भी तरह से उसे रोकना होगा वरना लोलो माईजीन के तो लोड़े लग जाएंगे, यानी कि वो मर जाएगी। आगे उन्होंने जितना भी ज्ञान किताबों से पढ़कर वैम्पायर के बारे में प्राप्त किया था उसे यूज करते हुए वो लोलो माईजीन के रूम में लहसुन की माला बनाकर टांग देते हैं क्योंकि वैम्पायर को लहसुन की बदबू झाट भर भी पसंद नहीं आती। और जैसा कि उन्होंने अंदाजा लगाया था, ड्रैकुला लोलो माईजीन का आधा खून चूसने के लिए मुंह उठाकर आ जाता है लेकिन लहसुन की बदबू उसे अंदर नहीं जाने देती तो वो अपने चमचे टट्टल से मिलने पागल खाने जाता है जहाँ पर वो उसकी खिड़की में लगी रबड़ की रोड को बड़ी ही आसानी से बैंड कर देता है और उसे लेकर लोलो माईजीन के रूम में पहुँचता है जहाँ से टट्टल लहसुन को हटाने लगता है। तब
तभी वो सेक्सी लोलो माइजीन को देखता है और चद्दर उठाकर उसकी गुफा के दर्शन करने लगता है, जिससे वो उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। बाहर खड़ा ड्रैकुला टट्टल को गालियां बकता है। तभी वहाँ पर बलगम चचा और बंद बल्ब पहुँचते हैं और उसे पकड़कर फिर से पागल खाने डलवा देते हैं। आगे वो दोनों खिड़की और दरवाजे बंद कर वहाँ से चले जाते हैं। ड्रैकुला बाहर खड़ा अपनी वशीकरण वाली पावर यूज करता है। आजा 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 नीले आसमान के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो कबाड़ी जय हो कबाड़ी जय हो। ये सुनते ही लोलो माइजीन उसकी तरफ खींची चली जाती है, जहाँ वो लोलो माइजीन को एक पत्थर पर लिटाकर उसकी हूत से उसका खून चूसने लगता है। तभी बलगम चचा की बेटी गंडमुख ड्रैकुला को लोलो माइजीन का खून चूसते हुए देख लेती है और चिल्लाने लगती है। बलगम चचा और बंद बल्ब फटाफट लोलो माइजीन के पास पहुँचते हैं, लेकिन लोलो माइजीन के तो लोड़े लग चुके थे। उसी रात डब्बे में पैक करके लोलो माइजीन को दफना दिया जाता है, लेकिन जंगली जिराफ के भतीजे डॉक्टर बहन के झूले को लगता है कि वो फिर से वापस आएगी, इसीलिए उन्हें एक लकड़ी का किला उसकी चूचियों में घुसाना पड़ेगा ताकि वो वैम्पायर ना बन सके। तभी चूतियों का सरदार ड्रैकुला लोलो माइजीन का शोक प्रकट करने के लिए बलगम चचा से मिलने पहुंचता है, जहां डॉक्टर बहन के झूले को उस पर शक होता है क्योंकि उसके आने के बाद से ही ये सारी गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। आगे डॉक्टर के कहने पर एक गार्ड को लोलो माइजीन के डब्बे की रखवाली करने के लिए वहां छोड़ा जाता है, लेकिन तभी डब्बे के अंदर से आवाज आने लगती है, पल 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 कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। गार्ड फटाफट डब्बे का ढक्कन हटाता है और देखता है लोलो माइजीन जिंदा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता वो उस पर झपट पड़ती है और उसका सारा खून चूस जाती है। कुछ देर बाद जब सब कुछ ठीक है चेक करने के लिए बंद बल्ब वहाँ पहुँचता है तो उसे लोलो माइजीन जिंदा मिलती है, जो कि उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतर आती है और उसका खून चूसने की कोशिश करती है। लेकिन तभी डॉक्टर बहन का झूला ईश्वर का चिन्ह दिखाकर उसे डरा देता है, जिससे वो वापस जाकर अपने डब्बे में सो जाती है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट मौका था एक लकड़ी के किले को उसकी चूचियों में घुसाकर उसका काम तमाम करने का। डॉक्टर बंद बल्ब को एक लकड़ी का किला देता है और एक हथौड़ा देता है और खुद जाकर दीवार के पीछे छुप जाता है। बंद बल्ब लकड़ी के किले को लोलो माइजीन की चूचियों में घुसा देता है, जहाँ से बाल्टी भर के खून की पिचकारी निकलती है, जिससे अब लोलो माइजीन कभी भी वैम्पायर नहीं बन पाएगी। हम ड्रैकुला को देखते हैं, जिसको एक हसीना का खून पीकर तृप्ति नहीं मिलती तो वो दूसरी हसीना यानी कि बलगम चचा की बेटी गंडमुख का खून पीने के लिए पहुंच जाता है और उस पर अपना वशीकरण ट्राई करता है, जिसका असर ये होता है कि वहाँ पर बैठी घर की मेड भी उसके वशीकरण में आ जाती है और वो दोनों उसकी कमांड में कंफ्यूज होने लगती है, जिसके बाद वो खुद ही अंदर जाता है और गंडमुख को उठाकर अपने 3BHK फ्लैट ले जाता है, जहाँ वो उसके साथ डांस करता है और कहता है, ओ सुना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल भर। जिसके बाद वो उसका आधा खून चूस जाता है क्योंकि वो इसे भी अपनी पत्नी बनाना चाहता है, यानी कि वैम्पायर बनाना चाहता है। अगली सुबह बंद बल्ब अपनी फियोंसे से मिलने जाता है, जहां हमें पता चलता है कि गंडमुख को हवस चढ़ी है क्योंकि ड्रैकुला ने उसकी पिंकी नहीं बजाई, सिर्फ उसका खून पीकर ही उसे छोड़ दिया, जिस वजह से अब वो बंद बल्ब से अपनी फुद्दी के बल्ब जलवाने के चक्कर में थी। तभी इतनी ही देर में गंडमुख का बाप बलगम चचा वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर वो इस सारी हरकत का इल्जाम बंद बल्ब पर डाल देती है, जिससे बलगम चचा उस पर भड़क पड़ते हैं, कहते हैं, तुम तो एक आस्तीन के सांप हो, तुम्हें मैंने अपने घर में रखा, मेरी बेटी का मंगेतर बने हुए सिर्फ तुम्हें 5 साल ही हुए हैं और तुम चौदम पट्टी पर उतर आए। तब तक डॉक्टर बहन का झूला भी वहाँ पहुँच जाता है। बंद बल्ब उसे बताता है कि गंडमुख के साथ कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर उसके गले से लिपटी हुई चुन्नी को हटाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर ने उसे भी डस लिया है और वो उसे उसका हाथ आगे करने के लिए कहता है। हमें लगता है कि वो उसके हाथ में अपना घोड़ा रखेगा, लेकिन नहीं, वो उसके हाथ में ईश्वर का चिन्ह रखता है, जिसे देखते ही गंडमुख वहीं बेहोश हो जाती है और उसके हाथ पर जलने के निशान बन जाते हैं। अब उन्हें जल्द से जल्द वैम्पायर को खोजना होगा, वरना इसका हल भी वही होगा जो लोलो माइजीन का हुआ था, जिसमें वो अगली रात एक पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में जिस पर उन्हें शक था, यानी कि ड्रैकुला और उसके चूतिया चमचे टट्टल को भी बुलाते हैं, और जब वो पार्टी में आता है तो उसे देखकर वो घबरा जाते हैं क्योंकि उनका गहरा शक सिर्फ इसी पर था, जिसके बाद वो पिछली रात की तरह गंडमुख के साथ डांस करता है। और यही तो प्लान था डॉक्टर बहन के झूले का कि वो गंडमुख के साथ डांस करे, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा आईना डांस स्टेज पर छुपा कर लगाया था, जिससे होता यह है कि जब ड्रैकुला गंडमुख के साथ डांस करता है तो उसकी परछाई आईने में नहीं दिखाई देती। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। ड्रैकुला को भी पता चल जाता है कि उसकी हकीकत अब सभी के सामने आ चुकी है, इसीलिए वो गंडमुख को लेकर वहाँ से भाग जाता है। टट्टल भी उसे गुरुजी पुकारते हुए उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। बंद बल्ब ड्रैकुला का पूरा 3BHK फ्लैट छान मारता है, लेकिन उसे ड्रैकुला का झाट का बाल भी नहीं मिलता। तभी डॉक्टर बहन का झोला अपने दिमाग के लोड़े दौड़ाता है, जिसमें वो टट्टल को छोड़ देते हैं और वो सीधा अपने गुरुजी के पास पहुंचता है, जिसका पीछा करते हुए वो भी वहां पहुंच जाते हैं। ड्रैकुला फटाफट गंडमुख को एक रूम में ले जाता है और उसका खून चूसने की तैयारी करता है। तब तक वो तीनों दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जहां पर उनमें बढ़िया वाली फाइट चलती है।
लेकिन ड्रैकुला उन सभी पर भारी पड़ता है। वो बंद बल्ब को बुझाने ही वाला था, यानी कि उसे मारने ही वाला था। तभी हम देखते हैं खिड़की से थोड़ी सी धूप अंदर आ रही है। बहन का झोला पूरी खिड़की खोल देता है, जिससे धूप ड्रैकुला पर पड़ती है और वो जलने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वो फटाफट बहन का लंड चमगादड़ बनकर ऊपर छत में जाकर चिपक जाता है, जो कि उन तीनों के लिए चिंता की बात थी। तभी छत पर मौजूद टट्टल, जिसमें दिमाग की कमी थी, वो फटाफट छत का फट्टा हटा देता है और कहता है गुरुजी यहाँ से निकलने का रास्ता है, जिससे धूप सीधा अंदर आती है और ड्रैकुला की मां चोती है, जिससे वो जलकर भस्म हो जाता है और जाते जाते भी अपने चच्चे टट्टल को बहन के लोड़े बावली गांड कहकर मर जाता है, जिसके मरते ही गंडमुख से उसका वशीकरण छूट जाता है और बंद बल्ब उसे उठाकर वहां से निकल लेता है। हम टट्टल को देखते हैं, जो कि रोता हुआ अपने गुरुजी की राख को इकट्ठा करके उसे डब्बे में स्माइली बनाकर डाल देता है। सभी के जाने के बाद डॉक्टर वहां से निकलता है और डब्बे का ढक्कन उठाकर कहता है, मैंने कहा था ना एक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चो। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। और हाँ, मैं जानता हूँ कि जब मैं गाना गाता हूँ तो मेरी आवाज़ बिल्कुल गधे के रीकने जैसी आती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। धन्यवाद।